सिरौली मनरेगा योजना से काम कर रहे रोजगार सेवक को ग्राम प्रधान ने चातिसूचक गालियां देते हुए मजदूरों को धमका कर कार्य बंद करा दिया है। शनिवार को सभी मजदूर थाना सिरौली पहुंचे हैं और प्रधान पर कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल थाना सिरौली क्षेत्र के गांव अटा फंदापुर के रहने वाले ज्ञानदेव सागर शहबाजपुर ग्राम पंचायत पर रोजगार सेवक है। चार दिन से रोजगार सेवक शहबाजपुर के मनरेगा मजदूर दिल्ली मुंबई काम करते हैं क्योंकि वहां मजदूरी अधिक मिलती है। गांव के कुछ मजदूरों को काम करने के लिए कह रहे थे लेकिन कोई काम करने नहीं गया। वहीं बीडीओ के काम करने के निर्देश पर रोजगार सेवक ने आसपास गांव में मनरेगा मजदूर लाकर शनिवार को काम शुरू कर दिया है। करीब 2 घंटे कम होने पर वहां ग्राम प्रधान पहुंच गए हैं। आरोप है कि रोजगार सेवक एवं लेबर को सीधे चौथे सूचक गालियां देते हुए धमकाने लगे और मारपीट करने पर आमदा हो गए हैं। आरोप है कि प्रधान ने धमका कर काम बंद करा दिया, जिसके बाद गुस्से मजदूरों और रोजगार सेवक भारी संख्या में थाना सिरौली पहुंच गए हैं और प्रधान पर कार्रवाई करने के लिए नारेबाजी करने लगे हैं। वहीं इंस्पेक्टर लवसिरोही ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है, मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? ज्ञानदेव। अच्छा, क्या मामला है जो आज इतने भारी संख्या में यहां थाने पर आप लोग इकट्ठे हुए? जी सर, मामला ये है, मैं ग्राम अटा फंदापुर रहता हूँ, ग्राम पंचायत सहबाजपुर पर ग्राम रोजगार सेवक पद पर तैनात हूँ। आज मैं मनरेगा कार्य करा रहा था, लेबर वहाँ की लेबर काम करती नहीं है, दिल्ली बम्बई ज़्यादा रहती है, इसलिए मैंने बाहर की लेबर बुलाकर कार्य कराना शुरू किया। कार्य लगभग एक एक दो दो यानी कि खंदी अपनी आधी आधी डाल चुकी है। डालने के उपरांत तभी एकदम डायरेक्ट प्रधान जी आए, सफीउर रहमान बेग, वो उनके आने के बाद में फिर उन्होंने आते ही आते डायरेक्ट, पहले तो एकदम डायरेक्ट कि ये चमट्टा है क्या, ये रोजगार सेवक है कौन, मैं मालिक हूँ ये वो जी, और मुझसे कहा कि बोले ये साली और लेबर को साली, सब लेबर को गड़िया डाला एक तरफ से। वहाँ पर एक बासत बेग भी था, वो भी चमट्टा वमट्टा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। आप यहाँ पर तहरीर देने के लिए आए हैं? जी, तहरीर देने आया हूँ, मुकदमा लिखवाने आया हूँ, और नहीं लिखा जाए, कानूनी कार्रवाई अगर नहीं हुई तो यहाँ से लेकर चाहे मुझे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं जाना पड़े, राष्ट्रपति वास जाना पड़े, ना तो मेरी नौकरी, बच्चे जरा जरा से, मैं अकेला आदमी हूँ अपने घर का, और मुझे जान से, अपनी जान और माल का दोनों का खतरा है इस प्रधान से मुझे। जी, कठोर कानून कार्रवाई, पूरी लेबर को गाली दी है।